Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओम बिरला जी को यूनानिमसली अपॉइंट किया गया है और वो इलेक्ट हुए हैं एज अ लोकसभा स्पीकर। ही विल बी सक्सीडिंग द करंट लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम बिरला जी की। लोकसभा स्पीकर लोकसभा के प्रोसीडिंग ऑफिसर होते हैं। ज्यादातर स्पीकर को जनरल इलेक्शंस के बाद सबसे पहली मीटिंग में इलेक्ट किया जाता है। स्पीकर को लोकसभा के सिटिंग मेंबर्स में से चुना जाता है और अधिकतर वो रूलिंग पार्टी या अलायंस के मेंबर होते हैं। ओम बिरला KOT राजस्थान के लोकसभा MP सुमित्रा महाजन को लोकसभा स्पीकर के तौर पर सक्सीड करने वाले हैं। 2014 में लोकसभा स्पीकर चुने जाने से पहले सुमित्रा महाजन के 8 टर्म MP रह चुकी हैं। ओम बिरला दूसरी बार कोटा लोकसभा सीट जीत चुके हैं। माना जा रहा है कि ऑपोजिशन भी ओम बिरला को अगले लोकसभा स्पीकर के तौर पर सपोर्ट करेगी। 17 जून 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 7th टर्म पार्लियामेंट मेंबर वीरेंद्र कुमार को प्रो टर्म लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद उन्होंने नए मेंबर्स को ओथ एडमिनिस्टर किया। जैसे ही नया स्पीकर अपॉइंट होगा वीरेंद्र कुमार का रोल खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोकसभा के स्पीकर के पोस्ट के लिए सीनियोरिटी कंसिडर की जाती है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम लॉ मेकर्स को बहुत बार इलेक्ट किया जा चुका है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी लोकसभा स्पीकर के बारे में। अब हम बात करते हैं ओम बिरला जी के बारे में, जो कि हमारे करंट टर्म में लोकसभा स्पीकर रहेंगे। ओम बिरला का जन्म 23 नवंबर 1962 में हुआ था। वो श्री कृष्णा बिरला और लेट शकुंतला देवी जी के बेटे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर से अपने मास्टर्स इन कॉमर्स खत्म किया। ओम बिरला स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। वो 1979 में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1991 से 12 साल के लिए मिस्टर बिरला भारतीय जनता युवा मोर्चा के की लीडर स्टेट लेवल प्रेसिडेंट के तौर पर भी रह चुके हैं। उसके बाद वो नेशनल लेवल पर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर भी रहे। ओम बिरला ने अपनी सबसे पहले असेंबली इलेक्शंस 2003 में कोटा साउथ में कॉन्टेस्ट करके जीता था। 2008 में अगले असेंबली इलेक्शंस में उन्होंने अपनी सीट को 24,300 वोट्स के मार्जिन से डिफेंड किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले उन्होंने अपने तीसरा असेंबली इलेक्शन पंकज मेहता के अगेंस्ट 2013 में जीता। 2003 से लेकर के 2008 में उनके टेन्योर के दौरान वो राजस्थान गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने 16th और 17th लोकसभा इलेक्शंस कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते। वो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटी ऑन एनर्जी के प्रमुख मेंबर थे, कमिटी ऑन पिटिशंस एंड कंसल्टेटिव कमिटी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के भी मेंबर वो रह चुके हैं। एक एक्टिव पार्लियामेंटेरियन होने और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे काम करने के अलावा उन्होंने बहुत सारे और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी इनिशिएट किए थे। उनमें से एक मेजर था परिधान 2012 में चालू किया गया था और सोसाइटी के वीकर सेक्शन लोगों के लिए कपड़े और किताबें का डोनेशन इसमें शामिल हुआ था। उन्होंने एक फ्री मील प्रोग्राम और मेडिसिन बैंक भी चालू किया था, जो कि इस परिधान 2012 इनिशिएटिव में से एक था। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी ओम बिरला जी के बारे में, जिन्हें अब लोकसभा स्पीकर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।